मित्रों नमस्कार, आपका आज के का कविता पाठ में स्वागत है। ये देश प्रेम की कविता है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। कविता का शीर्षक है भारत हित। देखिए क्या कहता है कवि। ये मैंने फिर कहूँ, ये कविता संग्रह 2016 में छपा और ये मैंने 2008-16 के बीच में कब लिखी, ये मेरे पास है, मेरा जो पांडुलिपि है उसमें उपलब्ध है। देखिए क्या कहता है कवि रुताश गुप्ता, प्रोफेसर रुताश गुप्ता क्या कहते हैं भारत हित नामक कविता में। देखिए पहला पद, भारत है एक संयुक्त परिवार। देखिए इससे बढ़िया और कवि क्या सोच सकता है। मैंने अपनी अंतर आत्मा से भारत माता को अपने, मैंने अपना सब कुछ उसको समझा हुआ है, तभी फिर ऐसे विचार आते हैं। तो देखिए, भारत है एक संयुक्त परिवार, भारत है एक संयुक्त परिवार। इस मादरे जमीन पर रहते विभिन्न आस्थाओं के अनुयायी सवा सौ करोड़ जनता के हैं लाखों परिवार। दूसरा, भारत की जमीन भारत की हवा, भारत की जमीन भारत की आबो हवा, भारत का जल भारत का अन्न, भारत की नौकरी भारत में हम सभी का है कारोबार। सांझी है हम कण कण में, फिर क्यों करें हम एक दूसरे से तकरार। तीसरा, रोटी रोजी मयसर है हमें भारत में, रोटी रोजी मयसर है, पेट भर के हम करते हैं परिश्रम भी अपार। रोजगार में तरक्की का भारत हमारी तरक्की का भारत ही है आधार। धन भी कमाया शोहरत भी कमाई, फर्जी तकरार फिर है समझता हूँ बेकरार, बेकार फर्जी तकरार है फिर बिल्कुल ही बेकार। आगे, भारतीय संयुक्त परिवार के गुण हैं हजार। पहले मैं कह गया कि भारत जो देश है ये संयुक्त परिवार है, तो अब कभी क्या कह रहा है, भारतीय संयुक्त परिवार के गुण हैं हजार। एक ही छत के नीचे जीते तुम्हारे अपने लहू के रिश्तेदार, कहीं सिख कहीं ईसाई सभी हिंदू व मुसलमान मेहरबान, सभी हिंदू व मुसलमान दिल से जो है एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा मेहरबान। पांचवा, विघटन है प्रलय समान। हे मेरे भारतवासियों, समझ लो कि आप इसी विघटन है प्रलय समान। असंतुष्टि नहीं चाहिए, करो ये प्रार्थना हजार बार, बार बार बारंबार। संगठित भाईचारे का कोई समुचित विकल्प और नहीं। आओ मिल बैठकर भारत निमित्त भारत ही के बारे में करें हम सोच विचार। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।